हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज़मीन जायदाद के केस में अगर लिमिटेशन पीरियड निकलने के बाद दावा डाला जाए, जो पोजेशन में व्यक्ति है यानी कि जिसके पास ज़मीन का पोजेशन है, वो लिमिटेशन पीरियड ख़त्म होने के बाद कोर्ट में सेल डीड एग्जीक्यूट करने के लिए दावा डाले या फिर जो है सूट फॉर मैंडेटरी इंजेक्शन डाले या सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल करे और निचली अदालतें उसके पक्ष में डिक्री कर दें, तो क्या ये डिक्री मान्य होगी? तो दोस्तों, ये आज मैं इस आपको जो है एक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केस डिसाइड किया है जिसमें 23 साल बाद जो है इल्लीगल पोजीशन को हटाने के निर्देश दिए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। तो दोस्तों, क्या पूरा केस है ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं पूरे फैक्ट्स आपको केस के बताता हूँ। ये हरियाणा का केस है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले डिसाइड किया है। इसके क्या फैक्ट्स हैं दोस्तों, सबसे पहले केस का जो नंबर है सिविल अपील नंबर 2222 ऑफ 2022 2022 का केस है और केस का टाइटल है म्यूनसिपल कमेटी बरवाला डिस्ट्रिक्ट हिसार थ्रू इट्स सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट वर्सेस जैनर एंड कंपनी एंड अनदर्स। तो दोस्तों, ये डबल बेंच ने इसको डिसाइड किया है सुप्रीम कोर्ट की। ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता एंड जस्टिस वी सुब्रमण्यम की बेंच ने इसमें फैसला दिया है। क्या भाई पूरा फैसला है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको केस के फैक्ट्स बताता हूँ। दोस्तों, जो है सूट फॉर मैंडेटरी इंजंक्शन एक जो है इसमें जो प्लंटिफ जो इसमें रेस्पोंडेंट है जैनर एंड कंपनी लिमिटेड, इन्होंने एक सूट फॉर मैंडेटरी इंजंक्शन फाइल किया हिसार कोर्ट में टू एग्जीक्यूट ए सेल डीड इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड मेजरिंग 55 कैनाल 5 मरलाज सॉट बाय द रिस्पोंडेंट, यानी कि रिस्पोंडेंट ने 55 कैनाल 5 मरले की ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए कोर्ट में केस फाइल किया म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ। क्या इससे पहले का क्या फैक्ट है इसमें कि 23/3/1999 को SDO हिसार ने एक ओपन ऑक्शन कंडक्ट की थी और इसमें जो है ऑक्शन में इसका जो प्राइस रखा गया था ज़मीन का 232,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से ये ऑक्शन निर्धारित की गई थी एंड आफ्टर सैंक्शन वाज ग्रांटेड फॉर ऑक्शन ऑफ लैंड इन क्वेश्चन ओन्ड 25/10/1995 को जो है इस ऑक्शन की परमिशन दी गई और टोटल सेल कंसिड्रेशन था इसमें 15,76,150 रुपये, जो कि इसमें जो कंपनी थी जैनर एंड कंपनी, उन्होंने इसको अमाउंट को डिपॉजिट कर दिया और ही क्लेम्ड दैट ही इज़ बोनाफाइड परचेजर एंड ही इज़ पोजेशन एंड ओनर ऑफ सूट लैंड, क्योंकि जो प्रॉपर्टी का पोजेशन था वो पहले ही कंपनी को दे दिया था म्यूनसिपल कमेटी ने और इसलिए उन्होंने क्लेम किया कि क्योंकि हम इसमें पोजेशन में हैं इस लैंड के और हम बोनाफाइड परचेजर हैं, हमने पैसा भरा हुआ है इसको ख़रीदने के लिए ऑक्शन के थ्रू, तो इसलिए हम जो है राइटफुल हैं कि इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अपने नाम करवाएं। और प्लंटिफ ने यानी कि जो कंपनी है उन्होंने असर्ट किया था कि द MC हैड पास्ड ए रेजोल्यूशन ऑन 1/5/2002 टू गेट द सेल डीड एग्जीक्यूटेड एंड रजिस्टर्ड, यानी कि जो प्लंटिफ ने दावा किया था इसमें कि जो म्यूनसिपल कमेटी है उन्होंने 15
1/5/2002 को कोई रेजुलेशन पास किया जिसमें ये डिसीजन हुआ कि इस ज़मीन की जो पोजेशन में थी एक कंपनी के, उसकी रजिस्ट्री जो है करवाई जाए, और उसके बाद सेल डीड नॉट एग्जीक्यूटेड, इसलिए जो लेकिन जो है वो सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं की गई एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से, इसलिए उन्होंने 13/6/2011 को एक सूट फॉर मैंडेटरी इंजंक्शन फाइल किया एंड एमसी सेड पोजेशन इलीगल। लेकिन एमसी ने कहा कि ये पोजेशन इलीगल है एंड सेल डीड कुड नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट प्रॉपर सेंक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, इसलिए सेल डीड जो है एग्जीक्यूट नहीं की गई सरकार के द्वारा, क्योंकि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी गवर्नमेंट में उन्होंने इसकी परमिशन नहीं दी। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इस सूट को डिक्री कर दिया कंपनी के फेवर में, यानी कि जैनरैंड एंड कंपनी के फेवर में इसको सूट को डिक्री कर दिया। एमसी ने फर्स्ट अपील फाइल की सेशन कोर्ट में, जो कि 5/9/2016 को डिसमिस हो गई। सेकंड अपील हाई कोर्ट में फाइल की, वो भी डिसमिस हो गई 1/5/2018 को। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, जो म्यूनसिपल कमेटी है उसने एक सिविल अपील फाइल की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, और एमसी ने कहा है कि ऑक्शन नॉट अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, कि ऑक्शन को अप्रूव नहीं किया गया था, जो खाली जो है एक प्रोसेस शुरू किया गया था लैंड को ऑक्शन करने के लिए, लेकिन जब फाइल ऊपर भेजी गई तो तब वहाँ से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इसकी परमिशन नहीं मिली, इसलिए इनका पोजेशन जो है इलीगल है। क्योंकि डिप्टी कमिश्नर ने डायरेक्टर लोकल बॉडीज़ को लिखा परमिशन के लिए ऑक्शन करने के लिए, ऑक्शन वाज नॉट कन्फर्म्ड, लेकिन जो लोकल बॉडीज़ के डायरेक्टर हैं उन्होंने ऑक्शन करने की परमिशन नहीं दी, एंड जो पोजेशन है इनका प्लेंटिफ का वो अनऑथराइज्ड है एंड इलीगल है, और जो है क्योंकि ऑक्शन कभी भी कन्फर्म नहीं हुई। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में क्या कहा है कि द डिक्री पास्ड बाय 3 courts बिलो इज़ ए परवर्स रीडिंग ऑफ द प्रोविजंस ऑफ लॉ एज वेल एज द फैक्चुअल पोजिशन, कि जो डिक्री 3 courts ने पास की है इस संबंध में कंपनी के फेवर में वो परिवर्स है, वो मतलब गलत है, वो उसका प्रोविजंस को जो इस संबंध में लॉज हैं उनको पूरी तरह से नहीं पढ़ा गया, और जो फैक्चुअल पोजिशन थी उसको भी पूरी तरह से असेस नहीं किया गया। एज़ पर रूल्स नो सेल बाय ऑक्शन शैल बी वैलिड अंटिल इट हैज़ बीन कन्फर्म्ड बाय डेप्यूटी कमिश्नर, की कोई भी ऑक्शन तब तक कन्फर्म नहीं जब तब तक वैलिड नहीं होती जब तक कि डेप्यूटी कमिश्नर उसको जो है कन्फर्म ना कर दे, उसको पूरी तरह से स्वीकृति ना दे दे। और जो इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन है, जैसे इस केस में जो इसमें डिफेंडेंट थे उन्होंने कहा कि डीसी ने लोकल बॉडीज़ को लिखा और फाइल की नोटिंग को उन्होंने जो है कोर्ट में एनेक्चर के तौर पे लगाया कि इन्होंने डेप्यूटी कमिश्नर ने अपनी तरफ से परमिशन दे दी है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन एंड और द नोटिंग्स ऑन फाइल आर नोट द डिसीजन ऑफ द स्टेट, खाली जो है नोटिंग करना फाइल पे कॉरस्पॉन्डेंस है जो इंटर डिपार्टमेंट की कम्युनिकेशन है वो जो स्टेट है यानी कि गवर्नमेंट है उसका डिसीजन नहीं होता। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में बचित्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस को कोट किया जो इसी तरह था। तो और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑक्शन के 12 साल के बाद केस फाइल किया गया, यानी कि जो ऑक्शन की प्रोसेस शुरू की गई थी उसके 12 साल बाद केस फाइल किया गया, इसलिए सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वॉज आल्सो बार्ड बाय लिमिटेशन, क्योंकि जो है 12 साल बाद ये लिमिटेशन ख़त्म हो गई, इसमें सूट फॉर मैंडेटरी इंजंक्शन नहीं डाल सकते और फिर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी नहीं इसमें डाल सकते, क्योंकि उसकी लिमिटेशन भी तब तक बार हो गई थी, लैप्स हो गई थी। और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट क्या दिया है कि
कि जो है नॉट ओनली बियॉन्ड कि ग्रांटिंग डिक्री ऑफ मैंडेटरी इंजंक्शन बाय 3 बिलो कोर्ट्स नॉट ओनली बियॉन्ड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, कि जो नीचे की 3 अदालतों ने जो कंपनी के फेवर में डिक्री करी है वो ना केवल जो है जो लिमिटेशन का पीरियड है उसको नज़रअंदाज करके की गई है, बट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द स्टैचूट, लेकिन जो संबंधित कानून है उनकी भी अनदेखी की गई है, उनका वॉयलेशन करके की गई है, एंड द रूल्स फ्रेम्ड देयर अंडर, और जो रूल्स जो टाइम टाइम पर जो है जो रिवाइज होते रहते हैं उन सभी का वॉयलेशन हुआ है, इसलिए इस डिक्री को सेट असाइड किया जाता है। और प्लेंटिफ का जो पोजेशन है यानी कि जो कंपनी का लैंड पर पोजेशन है वो इलीगल है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने म्युनिसिपल कमेटी बरवाला हिसार को उस लैंड का पोजेशन तुरंत लेने के आदेश दिए हैं, और 3 महीनों के अंदर अंदर उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करने के भी आदेश दिए हैं। और जो कंपनी ने 15 लाख समथिंग का जो उन्होंने राशि जमा कराई थी वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फॉरफिट स्टेट के फेवर में करने के आदेश दिए हैं, क्योंकि जो है टुवर्ड्स डैमेजेस कि जो इतने साल से सरकार को नुकसान हुआ है, एंड इलीगल ऑक्यूपेशन, और जो इलीगल ऑक्यूपेशन कंपनी की रही है सरकारी लैंड पे और फॉर मोर देन 2 decades, मोर देन 20 years, 20 साल से ज़्यादा का जो है उनका इलीगल पोजेशन रहा है, इसलिए जो राशि है वो जब्त कर ली जाए सरकार के फेवर में, और जो है इसको डिक्री को जो है सेट असाइड कर दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। इसलिए म्युनिसिपल कमेटी बरवाला हिसार 23 साल के बाद अपना कब्जा जय नारायण एंड कंपनी लिमिटेड से लेने में सफल रही है, और इसका जो केस था वो बहुत पुराना चल रहा था, लेकिन म्युनिसिपल कमेटी ने हार नहीं मानी और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली है। तो दोस्तों लिमिटेशन के संबंध में ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट की, जो एक व्यवस्था कायम करेगी लैंड के केसेस को डिसाइड